अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर निजी कंपनी ने महिला सुरक्षा के मद्देनजर सोलन पुलिस को 2 स्कूटी भेंट की हैं। स्कूटी की चाबी कंपनी के HR हेड संदीप प्रभाकर व डायरेक्टर राजीव जैन ने उपायुक्त सोलन विनोद कुमार और पुलिस अधीक्षक सोलन मोहित चावला को सौंपी। उपायुक्त विनोद कुमार ने हरी झंडी दिखाकर स्कूटी को महिला सुरक्षा के लिए शहर को रवाना किया। उन्होंने कहा कि वुमेन हेल्पलाइन व चाइल्ड हेल्पलाइन सेवाओं में तेजी आएगी। पुलिस अधीक्षक सोलन मोहित चावला ने कहा कि माइक्रोटेक ने सोलन पुलिस को स्कूटी देकर जनहित का कार्य किया है, इससे महिला पुलिस को आवाजाही करने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा करना ही पुलिस का लक्ष्य है। जहां पर पुलिस की गाड़ियां नहीं पहुंच सकती हैं, वहां पर यह महिला पुलिस अब तुरंत पहुंच सकेंगी। कंपनी के HR हेड संदीप प्रभाकर व डायरेक्टर राजीव जैन ने बताया कि माइक्रोटेक कंपनी समय पर समाज सेवा के कार्यों में अग्रणी रहती है और कंपनी की ओर से हर शनिवार को परमाणु में स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी कंपनी प्रशासन को अपना सहयोग देती रहेगी। महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए सोलन पुलिस वचनबद्ध है और आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, जब एक इंटरनेशनल वुमेन डे होने के साथ साथ हमने मोबाइल एक्टिवा जो PCRs रहती हैं वो हमने लॉन्च की है। इसमें पुलिस प्रशासन और हमारे को जो कम्युनिटी का सपोर्ट है, इंडस्ट्री का सपोर्ट पूरा मिल रहा है। विषय सरल है कि जो हमारी कर्मचारी हैं, जहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती, जहाँ पे अप्रोच डिफिकल्ट है, वहाँ पर जाएं और स्कूल्स कॉलेजेस वहाँ पर पहुँच सकें और एक तुरंत पुलिस का एक्शन टाइम बढ़े। इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माइक्रोटेक वालों का जिन्होंने इसको स्पॉन्सर किया। फ्यूचर में भी हम ऐसे डेलिब्रेट करते रहेंगे और जो भी स्टेप वुमेन सेफ्टी और सिक्योरिटी के लेने हैं कम्युनिटी के साथ मिलकर हम इसमें लेते रहेंगे।